बाबा का इसमें उनके निर्देश से हुआ होगा या उनकी जानकारी से, उनके सहमति से कि इतने लोग पंचकूला में, चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं, और इनको पहुंचने का उद्देश्य क्या हो सकता है सिवाय इसके कि प्रशासन पे, शासन पे एक तरह का दबाव बनाना कि आप हमारे बाबा के खिलाफ़ कोई कार्रवाई मत करिए, और सीबीआई कोर्ट को भी एक तरह से ओवरऑल करने की कि साहब आप कोई ऐसा प्रतिकूल फैसला मत दीजिए वगैरह वगैरह। मतलब इसके पीछे जो मानसिकता है वो निंदनीय है, और लोकतांत्रिक ढांचे को, हमारी न्याय प्रणाली को एक तरह से चुनौती देने की है। कोर्ट की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से कानून, जिस तरह से उनके सामने एविडेंस आया है, जिस तरह से लोगों ने डिपोज किया है, जज को उसके बेसिस पर डिसाइड करना चाहिए कि उनका कन्विक्शन बनता है या नहीं बनता है। ये जो लोग को इकट्ठा करके जो प्रेशर डाला गया है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है इस देश के लिए। कोई भी आदमी जो इन्फ्लुएंशियल है या पावरफुल है या जो पॉलिटिशियन है, जो लोग को इकट्ठा कर सकते हैं, वो अपने एक रेगुलर क्रिमिनल केस में इस तरह का दबाव डाल रहे हैं कि अगर कोई कन्विक्शन आएगा तो उससे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल वायलेंस होगा। ये बहुत ही निंदा का विषय है, इसको हम लोग को सबको डेप्रिकेट करना चाहिए। जिस तरह से कोर्ट ने अपनी नाराजगी हाई कोर्ट ने जाहिर की है और कहा है कि हम डीजी हरियाणा को निलंबित कर देंगे, उनको डिसमिस कर देंगे, क्योंकि इसमें सरासर राजनीति है। सबको मालूम है कि जिस तरह से डेरा सच्चा सौजा पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण हो रहा है। कोर्ट को इसके कोई दबाव में आना नहीं चाहिए, और अगर सबूत है कि गुरमीत राम रहीम ने रेप किया है उन दो महिलाओं का, तो इनको सजा दी जाए, एक रेपिस्ट ट्रीट किया जाए। और ये कहना कि भीड़ इकट्ठा करके आप डरा धमका सकेंगे, तो वो सरासर गलत है। रेप केस इज टेकिंग 15 इयर्स टू कम टू इट्स जजमेंट एंड इट इज द लोअर कोर्ट, देन देयर इज हाई कोर्ट, देन देयर इज सुप्रीम कोर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पीड ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट टू द एग्रीव पार्टी इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, दिस टाइम टेकन।